नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में कोरोना वायरस का आंकड़ा दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहा है। बिहार का आंकड़ा बताएं, उससे पहले आपको देश का आंकड़ा बताते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में अभी तक 20,471 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 652 लोगों की इससे जान जा चुकी है। इधर 3,960 मरीज अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि देश में कोरोना एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो फिलहाल यह आंकड़ा 15,859 का है। तो लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 5,221 केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। आपको बता दें कि तकरीबन जो आंकड़ा है पूरे देश भर में वो 20,471 का है, लेकिन कई मामले इसमें ठीक भी हो चुके हैं। तो 652 लोगों की अब तक मौत इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज 15 मामले सामने आए, जिसमें कोरोना का मामला 141 तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांका और पूर्वी चंपारण में कोरोना का पहला मामला सामने आया। दोनों जिलों में कोरोना संक्रमित एक एक मरीज मिले तो पटना के लिए भी खतरे की घंटी है। पटना में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जबकि भागलपुर में 4 और नालंदा में 1 मामला सामने आया। और अगर बिहार के 141 मामले की बात करें तो सिवान के 29, नालंदा के 29, मुंगेर के 27, पटना के 16, बेगूसराय के 9, बक्सर के 8, गया के 5, भागलपुर के 5, गोपालगंज के 3, नवादा के 3, जबकि छपरा, लखीसराय, बांका, वैशाली, भोजपुर, रोहतास और मोतिहारी के एक एक लोग शामिल हैं। बिहार में कोरोना से अभी तक 42 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो बिहार में यह आंकड़ा 99 है। इधर कोरोना से बिहार में अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है। एक शख्स वैशाली का रहने वाला था, जबकि एक मुंगेर का निवासी था। बिहार में कोरोना के हालात पर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बात की जानकारी दी गई है। लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं या यहाँ पर जो लोग हैं वो कई माध्यमों से हमको सूचना देते हैं, उसमें बिहार भवन का नंबर है, आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम है, मुख्यमंत्री सचिवालय में फ़ोन आते हैं। इसके अलावा गूगल डॉक्स पे भी अपलोड करते हैं लोग इन्फॉर्मेशन, और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं। तो अभी की आज की तिथि तक कुल मिलाकर हमें 87,800 लगभग इतने कॉल्स या मैसेजेस आए हैं, और इनको हम सभी लोग आपदा प्रबंधन विभाग का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके, जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके इनके लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो की जा रही है। बिहार के बाहर बिहार के लोग फंसे हैं, ज़रूरतमंद लोग, उनको मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में 1,000 रुपये की राशि प्रति व्यक्ति दी जा रही है, और इसके अंतर्गत अभी तक कुल 18,74,000 18.74 लाख लोग रजिस्टर करा चुके हैं, अपना आवेदन दे चुके हैं। बिहार के बाहर लोग जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं या यहाँ पर जो लोग हैं वो कई माध्यमों से हमको सूचना देते हैं, उसमें बिहार भवन का नंबर है, आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम है, मुख्यमंत्री सचिवालय में फ़ोन आते हैं। इसके अलावा गूगल डॉक्स पे भी अपलोड करते हैं लोग इन्फॉर्मेशन, और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं। तो अभी की आज की तिथि तक कुल मिलाकर हमें 87,800 लगभग इतने कॉल्स या मैसेजेस आए हैं, और इनको हम सभी लोग आपदा प्रबंधन विभाग का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके, जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके इनके लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो की जा रही है। बिहार के बाहर बिहार के लोग फंसे हैं, ज़रूरतमंद लोग, उनको मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में 1,000 रुपये की राशि प्रति व्यक्ति दी जा रही है, और इसके अंतर्गत अभी तक कुल 18,74,000 18.74 लाख लोग रजिस्टर करा चुके हैं, अपना आवेदन दे चुके हैं।
पटना में आज कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमितों का आंकड़ा 16 पहुंच गया है। पटना के खाजपुरा इलाके में भी कोरोना को लेकर हालत गंभीर है। इसके बाद इलाके को सील कर दिया गया और किसी को प्रभावित सील क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इलाके में जरूरत के सामान के लिए फोन नंबर जारी किया गया है। इधर सीलिंग को का पुख्ता बंदोबस्त करने को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया। और ये यहाँ पे पूरा सील किया गया है और देख सकते हैं कि अंदर ये शास्त्री नगर की पुलिस जो है वो जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंदर पे एयरपोर्ट थाना की पुलिस है, ट्रैफिक एसपी है, एसडीएम पटना के हैं, साथ ही साथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं। और अंदर में जिस तरीके से 3 कोरोना के नए पेशेंट मिले हैं और एक तरीके से ये इलाका हॉटस्पॉट हो गया। यहीं से थोड़ी दूर आगे जो जगदेव पथ है वहाँ पे अपार्टमेंट में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं और सालिमपुर में एक, यानी कि 5 नए मरीज जो हैं वो मिले हैं। और इसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक यहाँ पे अमला के लोग हैं और ट्रैफिक एसपी भी है, साथ ही साथ एसडीएम और आसपास के थाने की पुलिस भी है। एक तरह से कहें कि यहाँ पे आवागमन ज़्यादा है तो फ्लाईओवर से ऊपर ही ट्रैफिक को कन्वर्ट किया जाए तो क्या कुछ कदम उठाए जाए, तमाम सारी बातों को लेकर यहाँ पे विचार विमर्श और मंथन और प्रशासनिक पदाधिकारी पूरे तौर पे तत्पर हैं। किस तरीके से इलाके को और अगर सील करने की जरूरत हो और संक्रमण को रोका जाए, इसको लेकर यहाँ पे कवायद चल रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं सर, किस तरीके से अंदर पे पूरे इलाके को कर्टेल करने या फिर संक्रमण रोकने को लेकर उपाय किए जा रहे हैं, अंदर क्या कुछ वस्तु स्थिति है? अभी कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं हम लोग, जो भी केसेस पॉजिटिव आए हैं उसके आलोक में तो हम लोग बैरिकेडिंग करवाएंगे, फिर मैजिस्ट्रेट फोर्स का डेप्यूटेशन होगा और कोशिश और पूरा ये रहेगा कि लोग निकलेंगे नहीं अंदर से। गहन विचार विमर्श और मंथन चल रहा है किस तरीके से स्थिति पर काबू पाया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हो और साथ ही साथ आवागमन बिल्कुल नियंत्रित हो, कहीं से कोई कमी न रहे, इस बात को लेकर एकदम हरकंप सी स्थिति है। और स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकथाम करने को लेकर ये पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। सासाराम में 60 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाके को 1 किलोमीटर तक के दायरे को सील कर दिया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इधर आसपास के लोगों ने भी खुद से अपने अपने मोहल्ले में बांस बल्ला लगाकर बैरिकेटिंग कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। जिला प्रशासन लगातार इलाके को सैनिटाइज करवा रहा है। इधर पॉजिटिव मरीज के 36 परिवार वालों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही जिस डॉक्टर के यहां मरीज ने 3 दिनों तक अपना इलाज करवाया उस डॉक्टर और उसके स्टाफ को आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव मिला है बरादरी में, इसलिए हम लोग भी अपने मोहल्ले को सुरक्षित और गली को सुरक्षित कर रहे हैं और हम लोग भी सील कर रहे हैं। समस्तीपुर में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जहां इलाज में देरी की वजह से कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 50 साल का संदिग्ध शख्स रोसड़ा थाना इलाके के भोरहा गांव के रहने वाला था, जो इलाज के लिए रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल पहुंचा था, जहां से उसे कोविड-19 की जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जब मरीज समस्तीपुर पहुंचा तो मरीज के परिजन 3 घंटे तक इलाज के लिए भटकते रहे। इतनी देर में मरीज की तबीयत बिगड़ी। परिवार वालों के हंगामे के बाद आनन फानन में उसे ऑक्सीजन दिया गया, साथ ही कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के तुरंत बाद ही मरीज की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब सदर अस्पताल के डीएम ने परिवार वालों को सब सौंप दिया और परिवार वालों ने भी बिना कोई सुरक्षा अपनाए सबका अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस मामले में सिविल सर्जन ने मरीज का इलाज नहीं होने के मामले में डीएस समेत ओपीडी इमरजेंसी और एएनएम स्कूल में तैनात 4 डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मियों से जवाब तलब किया है। यहाँ आने के बाद से सभी आदमी लापरवाही किए, पेशेंट को कोई भी आदमी देख रेख नहीं किए। 3 घंटा 35 मिनट के बाद 6:30 बजे शाम में हमारे पेशेंट को यहाँ इमरजेंसी में ला करके इलाज किए, ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन लगाने के बाद कोरोना का जांच वो किट हुआ, मुंह में डाला और मुंह में से निकालने के बाद सीढ़ी से नीचा उतरा, इतना ही देर में हमारा पेशेंट डेथ कर गया। हेल्थ होम सेंटर रोसड़ा अस्पताल में चल रहा था, एनजी अस्पताल,
उन्हें निजी डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ कोविड-19 का टेस्ट के लिए रेफर किया गया था। उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया था टेस्ट कराने के लिए और वहाँ उनकी शायद मृत्यु हो गई। टेस्ट जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो निजी अस्पताल में चल रहा था, डॉक्टर सतीश प्रसाद के यहाँ, वही बता पाएंगे उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने टेस्ट के लिए उनको सिर्फ सदर अस्पताल भेजा। वो आदमी बखता रहा, उसको कोई प्रॉपर सजेशन देने के लिए वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। तब उसको किसी ने बताया, यहाँ लोग थे भी तो इमरजेंसी में थे, वहाँ लोग टर्न अप नहीं आया। उसको कोई आदमी मिसगाइड करके कहा कि यहाँ नहीं कोई मिलेगा, तुम चले जाओ वहाँ ANM स्कूल। वो ANM स्कूल पहुँचता है, 5:45 में वहाँ पर सैंपल लेने की बात होती है। कंडीशन उसका सीरियस था, ये हुआ कि पहले सैंपल ले लिया जाए और उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाता, उससे पहले ही उसका डेथ हो गया। देश भर में कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। देश भर के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाने जा रही है जिसके मुताबिक मेडिकल टीम पर हमला करने के दोषियों को 3 महीने से 5 साल की सजा होगी। यही नहीं, अगर मेडिकल टीम पर गंभीर किस्म का हमला हुआ तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी या क्लिनिक पर हमला होता है तो नुकसान के बाजार भाव से 2 गुना हर्जाना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि आज देश भर में डॉक्टरों ने मेडिकल कर्मचारियों पर हो रहे हमले के खिलाफ सांकेतिक प्रोटेस्ट का ऐलान किया और हमले के खिलाफ कानून बनाने की मांग की, जिस पर गृहमंत्री ने देश भर के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और सांकेतिक प्रदर्शन न करने की अपील की। गृहमंत्री ने डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। उसके कुछ घंटों बाद ही केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाने का ऐलान कर दिया गया। कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2,00,000 रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है, और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजुरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 months to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1,00,000 से 5,00,000 तक है। बिहार में कोटा पॉलिटिक्स थम नहीं रही है। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बच्चों के अभिभावकों के साथ विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर दूसरे राज्य अपने छात्रों को बुला सकते हैं तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस मामले पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। सरकार के मना करने के बाद भी कोटा में फंसे छात्र घर वापसी को लेकर अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। छात्र लगातार बिहार सरकार से उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अभिभावक भी सरकार से बच्चों की वापसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। इसके लिए अभिभावक अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला भी दे रहे हैं। इधर इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार की संवेदनहीन जिद के चलते कोटा में फंसे 6500 बच्चे अनाथ और अभागे फील कर रहे हैं। क्या अप्रवासी मजदूरों और बिहारी छात्रों के मर्मस्पर्शी वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री सो पाते हैं? सीएम साहब, याद रखिए, देर सवेर जन दबाव में सरकार को जिद त्याग कर हमारी बात माननी पड़ेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार यहां आम और खास दो कानून चला रही है। एक तरफ मजदूरों और छात्रों को बिहार वापस लाने में सरकार लॉकडाउन का हवाला देती है और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। आप तो एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जिनको पास निर्गत करने का अधिकार नहीं है,
उसको भी आपके मंत्रिपरिषद के लोग दबाव देकर पास निर्गत करवा रहे हैं। एमपी एमएलए और पार्षद के बेटा बेटी को लाया जा रहा है, ये अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बिहार से बाहर कोटा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आप महाराष्ट्र, कहीं भी अगर बिहार के श्रमिक और छात्र लोग फंसे हैं, कष्ट में हैं, तो उनको सुरक्षित वापस लौटाने की बात करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष को सीख देने में जुटा है, साथ ही सियासत नहीं करने की नसीहत दी। ये विरोधी पार्टी लोग के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं और वो अनावश्यक मामले को तूल देते। जिन लोगों ने भी कोई गलत काम किया है, किसी ने भी सराहा नहीं उसको, सब लोगों ने उसकी निंदा की है, गलत माना है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी हम वहां से बच्चों को लाना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में मजदूर भी बाहर है, उनको भी लाना पड़ेगा, तो फिर लॉकडाउन का मतलब ही नहीं रहेगा। अनुकंपा पर राजनीति में जगह तो आपने पा लिया, लेकिन राजनीति में ज्ञान का जो आतंक मचाए हुए हैं, राज्य सरकार जहां भी आप हैं वहां की राज्य सरकार के यहां आवेदन दीजिए। अगर परेशानी आपको है तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। ऑनलाइन जो उसका लिंक है वह भी लिंक आपको भेज देंगे। कोटा पर कोरोना वायरस की सियासत का अखाड़ा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, तो वहीं सरकार से राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र और अन्य राज्यों से बिहार के मजदूरों को वापस गृह राज्य में बुलाने की मांग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा के दिल्ली टू पूर्णिया प्रकरण पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकार से निर्देश लेने के बाद ही वे अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया 7 अप्रैल को आए थे और सबसे पहले अस्पताल जाकर अपनी स्क्रीनिंग कराई। इसके बाद सदर अस्पताल में कुछ आवश्यक सामग्री बांटने और कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करने के लिए गए। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को जांच कराने के बाद वो लगातार क्वारंटीन थे, लेकिन लोग मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आपदा के इस घड़ी में पूर्णिया के 30 लाख जो हमारे जनता है, उससे क्या उसके बीच में रहना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो आप बता सकते हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों से कहना चाहेंगे कि आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, पब्लिक सब जानती है, आपकी वजह से ही जनता ने मुझे दूसरी बार संसद में भेजने का काम किया है। लॉकडाउन जारी है, लेकिन पटना समेत बिहार में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसे रोकने को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं और लॉकडाउन क्षेत्र में फंसे लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है, जानने के लिए श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा से खास बात की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कई जगहों पे जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है, और बात करें राजधानी पटना में, यहाँ पे भी जो दायरा है वो बढ़ा है और संख्या भी संक्रमित जो मरीज हैं उनकी बढ़ी है। क्या कुछ वस्तु स्थिति है और इसको लेकर जो लोग लॉकडाउन में हैं उनके लिए क्या कुछ योजना है? बात करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनसे सीधे तौर पर जानते हैं। सर, एक तो चिंता की बात है कि जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और रोकथाम को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर सतर्कता और सावधानी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बार बार आग्रह किए हैं, हम लोग सभी लोग अगर जो इस सतर्कता सावधानी नहीं रखेंगे तो ये दायरा बढ़ेगा। ये छुपा दुश्मन है, दिखाई नहीं पड़ता है और इसका अभी तक कोई मतलब ठोस सही रूप से जानकारी भी नहीं हो पाई है। कई जो मजदूर हैं या उस तरीके से जो लोग हैं जो कि लॉकडाउन में या सील के इलाके में फंसे हैं, तो अब वैसे लोगों के लिए क्या कुछ योजना है उनके लिए आगे, किस तरीके से जीविकोपार्जन या फिर सुविधा साधन? देखिए, लगभग आज 29-30 दिन लॉकडाउन का होने जा रहा है। पूरे बिहार के अंदर कहीं से लोग जिस तरह से घबराए हुए थे, लग रहा था कि एक भूख और भय की स्थिति बन जाएगी, ये भूख भय की स्थिति नहीं बनी है। हर जगह सरकार सजग है, सामाजिक कार्यकर्ता सजग है, धार्मिक संगठन के लोग सजग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सजग हैं, सभी लोग जहां बन रहा है सेवा भाव कर रहा है, लोगों को पक्का कच्चा खाना जो भी है अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा,
बता रहे हैं कि किस तरीके से इस लॉकडाउन का पालन करना है, नहीं तो आगे जो खतरा है अगर अभी से सतर्क न हो तो फिर मुश्किल स्थिति हो सकती है, लिहाजा हर कोई इसका अनुपालन सावधानी और सख्ती के साथ करे। कैमरामैन सिंधुमणि के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। गया में लॉकडाउन को लेकर फंसे म्यांमार के 281 बौद्ध श्रद्धालुओं का जत्था भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद वापस अपने देश रवाना हो गया। फ्लाइट पर बैठने से पहले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जिला स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। दरअसल ये श्रद्धालु म्यांमार से आए थे, श्रद्धालु बुद्ध सर्किट के दर्शन कर रहे थे। इस बीच पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। भारत में फंसे बौद्ध श्रद्धालुओं को निकालने के लिए म्यांमार सरकार काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय, एम्बेसी और उड्डयन मंत्रालय से मिली अनुमति के आधार पर सभी यात्रियों को विशेष फ्लाइट से म्यांमार भेजा गया। एक्चुअली भारत सरकार से स्पेशल अनुमति प्राप्त होने के बाद म्यांमार जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे इनके कुछ पैसेंजर्स फंसे हुए थे बुद्धिस्ट सर्किट में, उनको यहाँ गया एयरपोर्ट के माध्यम से निकाला जा रहा है। दो फ्लाइट्स 1:50 और 2:05 में आएगी, जो एक घंटे के अंतराल में यहाँ से प्रस्थान करेगी, और 281 पैसेंजर्स हैं टोटल, और उनके लिए सारी जो एयरपोर्ट पर सुविधाएँ हैं लाइक मतलब पैसेंजर्स को ग्लव्स और फॉर्म वगैरह भरवाया जा रहा है। म्यांमार के यात्री लोग हैं जाने के लिए, कल ये लोग जो मोनेस्ट्री में ठहरे हुए थे, कल हम अपनी मेडिकल टीम को भेज के सारे लोगों को, लगभग ये 270 के आसपास हैं, तो सारे लोगों को मोनेस्ट्री में जाके हमारी मेडिकल टीम एक एक करके जांच कर ली और उसमें किसी को सिम्टम नहीं पाया गया, इसलिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी को खबर किया गया कि लोग जाने के लिए एलिजिबल हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट होकर लड़ रहा है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दो उपकरण बनाए हैं। ये दोनों ही उपकरण ऑफिस या घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने में बहुत कारगर हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये दोनों उपकरण बहुत जल्द बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कोरोना के खिलाफ डीआरडीओ के अस्त्र, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायरस का अंत, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के ये उपकरण कोरोना काल में बहुत काम के साबित होने जा रहे हैं। घर हो या दफ्तर, हर किसी की पहली टेंशन यही रहती है कि कहीं आपके जरूरत के सामान में वायरस तो नहीं। लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के आकार का पहला उपकरण आपके मोबाइल, घड़ी, कार की चाबी, पर्स जैसी चीजों पर मौजूद वायरस को खत्म कर देगा। एक मिनट तक इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डीआरडीओ ने इससे पहले भी कई प्रोडक्ट्स निकाले हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए अभी सिर्फ एक तरीका है कि वायरस के प्रसार को रोका जाए, जिन चीज में वायरस है उन वहां से वायरस को खत्म किया जाए। दूसरा उपकरण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है और इसे हाथ में लेकर किसी फाइल, खाने पीने की चीजों, सब्जियों या दूध के पैकेट के ऊपर एक मिनट तक रखा जा सकता है। उपकरण से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी वायरस को खत्म कर देगी। रेज के जरिए कोरोना वायरस को नष्ट किया जाता है। ये एक हैंडहेल्ड है जिसके जरिए किसी फाइल को या घर में आप दूध के पैकेट लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, उनको उनके ऊपर ऐसे घुमाएंगे 50 सेकंड तक, अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए वो जो भी चीज है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इनकी कीमत क्या है, ये मार्केट में उपलब्ध कब होंगे। डीआरडीओ का कहना है कि इनके उत्पादन के लिए निजी उद्योगों से बात आखिरी चरण में है और बहुत जल्द सस्ते दामों में इन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन आदमी के पास किस तरीके से ये पहुंचे, ये हमारा विशेष इसमें वो है करने का प्रयास, और इसीलिए हमने जो है ये टेक्नोलॉजी अभी हम करेंगे हस्तांतरण, ट्रांसफर करेंगे, ताकि ये सब जगह, ना सिर्फ दिल्ली में, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, सब जगह ये उपलब्ध हो जाए। इस तरीके हमारा एक इसका प्रावधान बनाया है। दोनों ही उपकरण अल्ट्रावायलेट रोशनी से संक्रमण को खत्म करने के सिद्धांत पर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया में लूट की वारदात को अंजाम दिया और करीब 13 लाख की बड़ी रकम को लेकर फरार होने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक सदर थाना इलाके के गोबरसही रोड पर बैंक ऑफ इंडिया में 3 बदमाश घुसे। इन्होंने बैंक मैनेजर के चैम्बर का शीशा तोड़कर सभी बैंक कर्मचारियों को गन प्वाइंट पर लिया और 13 लाख रुपए की रकम लेकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पैसा एकदम घर में नहीं है, पैसा निकालने के बोलबो नहीं किए, आया बस सबके छीन करके जिसके हाथ में पैसा था वो पैसा छीन लिया, अथी कर दिया। कितना उम्र होगा सबका? एगो के 20 से 22 साल का होगा, एगो 35 का होगा, कोई ज्यादा उम्र का कोई नहीं। कितना पैसा का लूटा गया है अभी अपने हैश टोटल कर रहे हैं, जैसे हैश टोटल कर देंगे आप लोगों को हम लोग बता देंगे कितने पैसे की लूट हुई है। कितने की संख्या में अपराधी बताए? 4 की संख्या में, 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे, लूट कर घटना का अंजाम दिए हैं। उसके बाद आगे हथियार से लैस थे? हाँ जी, हथियार से लैस। हवाई फायरिंग है सर कुछ बाहर में? हवाई फायरिंग उसकी पसंद की दर्ज की जा रही है, हम बाहर में अभी फायरिंग की बात आई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।